नेहरू जब मुमताज के ताजमहल पर जाते तो उनको तरोताजगी महसूस होती और दक्षिण भारत के मंदिरों में घुटन। तो अगर ये भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में होता तो आज रुपया मजबूत होता, ना कि डॉलर। जरा आप ये वीडियो देखिए। जय श्री राम। जवाहरलाल नेहरू जी को हम ऐसा कह देते हैं, वैसा कह देते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 में अकादमी में अपने एक उद्बोधन, और मैं सोर्स के साथ कोट कर रहा हूँ, सिलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47, पेज नंबर भी कहीं और बता दूंगा, एडिटेड बाय एस गोपालन, जो ऑफिशियली कराया गया, जिसमें वो क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, मैं घबरा सा जाता हूं। और उसी भाषण में वो कह रहे हैं, मगर ताजमहल में आकर देखकर मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है। अब मैं कहूंगा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैंने सोर्स के साथ कोट किया। और अभी बलबीर पुन जी, जिन्होंने अपनी किताब ट्रिस्विद अयोध्या लिखी है, उसमें बाकायदा इस चीज को कोट किया। बड़े बड़े पत्रकार आए, पुलट पलट के देखा, कंप्लीट वर्सेस इलेक्टेड वर्सेस जवाहरलाल नेहरू में उनके द्वारा बोला गया भाषण यथावत है, और जो ऑल इंडिया रेडियो की आर्काइव में भी है।